ओके दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो टुडे आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड क्लास ऑफ गुडविल फॉर यू ऑल। ओके दोस्तों, एंड दिस लेक्चर विल बी रेलेवेंट फॉर 12th क्लास बीकॉम फर्स्ट ईयर सीएस सीएमए एंड फाउंडेशन। ओके दोस्तों, तो इन लास्ट क्लास वी हैव कवर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड अक्यूमुलेटेड लॉसेस कॉम्प्रिहेंसिवली, एंड टुडे वी आर गोइंग टू कवर द कॉन्सेप्ट ऑफ गुडविल इन कॉम्प्रिहेंसिव मैनर। तो टुडे आई विल जस्ट डिस्कस अबाउट द गुडविल कि हाउ टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल, एंड इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिस्कस यू वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ओके दोस्तों, तो देन लेट्स कंटिन्यू आवर लेक्चर। सी हियर लेक्चर नंबर 8 गुडविल पार्ट 1। ओके दोस्तों, one thing I have written this on blackboard before recording this lecture so that I can save my time and video can be minimized at shorter duration. Okay friend, let's see here goodwill value of तो goodwill, अब हम बात करते हैं goodwill के बारे में कि गुडविल एक्चुअली में दोस्तों होता क्या है। बताइए दोस्तों, क्या होता है गुडविल, क्या होता है गुडविल। जैसा कि 12th की किताबों में हम क्या पढ़ते हैं, 12th किताबों में हम पढ़ते हैं रिप्यूटेशन ऑफ ए फर्म इज नोन एज द गुडविल। तो आप बताओ, क्या अगर फर्म का रिप्यूटेशन बढ़िया है तो क्या हम इसको गुडविल का नाम देंगे दोस्तों। बताइए किस हद तक ये सही है, क्या ये किसी इस हद तक सही है, बताइए दोस्तों। अब देखिए, एक सिंपल सा एग्जांपल लीजिए। अमिताभ बच्चन इज ए वेल नोन नेम इन द फिल्म इन द इंडस्ट्री तो दोस्तों अमिताभ बच्चन एक जाना पहचाना नाम है। अब आप बताओ कि अमिताभ बच्चन ने कुछ बिजनेस भी शुरू किया था ना, तो क्या अमिताभ बच्चन का रिपुटेशन नहीं था? रिपुटेशन तो था दोस्तों, लेकिन क्या उसका बिजनेस चल पाया? नहीं चला। उनको काफ़ी हेवी लॉस बियर करना पड़ा। तो अब दोस्तों आप बताओ, रिपुटेशन तो अमिताभ बच्चन जी के पास था, बट हीज बिजनेस गोन इनटू लॉस। तो क्या हम बोल सकते हैं कि दिस रिपुटेशन इज नॉन एज द गुडविल? क्या हम बोल सकते हैं दोस्तों? बिल्कुल नहीं बोल सकते। तो ओनली रिपुटेशन does not work to earn the goodwill। तो दोस्तों हम goodwill किसको बोलेंगे? goodwill हम दोस्तों इसको बोलेंगे कि अगर reputation है और उस reputation के चलते अगर हम कुछ profit earn कर पा रहे हैं in future, then only we can say it as goodwill। Otherwise only reputation does not help you to earn a goodwill। Okay friend? तो यहाँ पे आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा, केवल रिपुटेशन को हम गुडविल नहीं बोलते। रिपुटेशन गुडविल हम तभी बोलेंगे जब उस रिपुटेशन की वजह से हमारे पास फ्यूचर में प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी, तभी हम इसको गुडविल बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे, तो गुडविल क्या है दोस्तों? गुडविल है वैल्यू ऑफ रिपुटेशन ऑफ फर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर ओवर एंड अबव द नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट। मतलब क्या दोस्तों, बताइए क्या मतलब हुआ कि गुडविल किसको बोलेंगे? ये फर्म की रिपुटेशन की वैल्यू है जिसके चलते क्या हुआ है, फ्यूचर में हमें एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होगा। फ्यूचर में क्या होगा? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, और वो भी एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कैसा होगा? ओवर एंड अबव द नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट। तो दोस्तों अब जो नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट होता है
वो इंडस्ट्री में इन्वॉल्व सभी फर्में अर्न करती है, इंडस्ट्री में इन्वॉल्व सभी फर्में एक नॉर्मल प्रॉफिट को अर्न करती है। तो अब आप बताओ कि इफ आर फर्म इज ऑल्सो बिलोंग टू दैट इंडस्ट्री एंड वी आर अर्निंग जस्ट इक्वल टू दी ऑल अदर फर्म इन द इंडस्ट्री, तो क्या हम इसको गुडविल बोल सकते हैं? आंसर इज नो। तो गुडविल दोस्तों कब कहलाएगा? गुडविल तब कहलाएगा जब हम इंडस्ट्री की बाकी फर्मों की कंपैरिजन में हम ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हैं, तभी हम क्या बोलेंगे इसको? गुडविल बोलेंगे। आइए, तो वैल्यू ऑफ रिपुटेशन ऑफ फर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर ओवर एंड अबव द नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट, अगर ओवर एंड अबव नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट होगा दोस्तों तभी हम इसको बोलेंगे गुडविल, अदरवाइज गुडविल नहीं। ठीक है दोस्तों, अब तो होप सो आप लोगों को ये टर्म समझ में आया हो गुडविल का। अब देखते हैं नेचर की बात करते हैं दोस्तों कि गुडविल का नेचर क्या होता है, गुडविल का दोस्तों नेचर क्या होता है। तो दोस्तों ये आप लोग ध्यान रखिएगा, जो भी टर्म गुडविल है, क्या गुडविल को हम देख पाते हैं? बिल्कुल नहीं देख पाते। क्या गुडविल को हम टच कर पाते हैं? बिल्कुल नहीं कर पाते। तो ये देख ना पाना और टच ना कर पाना, ये कॉन्सेप्ट क्या हमने कहीं पढ़ा था दोस्तों? हाँ बिल्कुल पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था दोस्त? 11th क्लास में पढ़ा था। तो 11th क्लास में हमने क्या पढ़ा था? एसेट दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? दो टाइप के, टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स। जो टेंजिबल एसेट होता है, इनटेंजिबल एसेट वी कैन टच एंड सी द एसेट, फॉर एग्जाम्पल ब्लैक बोर्ड, वी कैन सी एंड टच दिस ब्लैक बोर्ड, बट इन इंटेंजिबल एसेट वी कांट सी एंड वी कांट टच। तो दोस्तों यहाँ पे जो गुडविल है, गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट होगा जिसको ना तो हम टच कर सकते हैं ना इसे हम छू सकते हैं, केवल इसके परफॉर्मेंस के बेस पे ही हम इसका मेजरमेंट कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या होगा? इंटेंजिबल एसेट होगा। और अगर आप इसकी अकाउंट की बात करोगे कि जो हमारे 3 गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग होती है, तो उसके अकॉर्डिंग ये कौन सा अकाउंट है? तो इट इज अ रियल अकाउंट। ये क्या दोस्तों? रियल अकाउंट है। तो नेचर क्या हुआ दोस्तों? इंटेंजिबल एसेट्स एंड इट इज द रियल अकाउंट। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं मेजर फैक्टर विच अफेक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल। मेजर फैक्टर विच अफेक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल, कि ऐसे क्या क्या तत्व हैं जिसके चलते हमारा जो गुडविल का वैल्यू होता है वो अफेक्टेड होता है। ओके दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं क्वालिटी ऑफ गुड सोल्ड। तो बताइए क्या क्वालिटी ऑफ गुड सोल्ड क्या गुडविल के ऊपर कोई इम्पैक्ट डालेगा? ऑफ कोर्स डालेगा दोस्तों। अगर हमारे गुड्स की क्वालिटी, जो हमारी फर्म जो गुड्स प्रोड्यूस कर रही है, अगर उसका क्वालिटी अच्छा होगा मार्केट में, तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? इन लॉन्ग रन मोर कस्टमर विल अट्रैक्टेड टुवार्ड्स आर प्रोडक्ट। तो इससे क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर हमारे प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होंगे एंड वी विल जनरेट मोर प्रॉफिट। तो इट मीन्स दैट क्वालिटी ऑफ गुड सोल्ड डायरेक्टली अफेक्ट द गुडविल वैल्यू। ओके, नेक्स्ट, पर्सनल रिपुटेशन ऑफ द ओनर डेट इज एबिलिटी टू अट्रैक्ट कस्टमर। पर्सनल रिपुटेशन ऑफ द ओनर डेट इज एबिलिटी टू अट्रैक्ट द कस्टमर। तो दोस्तों ये क्या चीज है बताइए, क्या चीज है? अब मान के चलो कोई एक ऐसा बंदा है, कोई एक बंदा है जो जिसका नाम बहुत है मार्केट में, बहुत ज़्यादा नाम मार्केट में नाम है, और अगर वो कोई भी बिजनेस करता है, जैसे कि आपने अपने अपने इलाकों में भी देखा होगा, आपने क्या देखा होगा कि कोई पर्सन वेल नोन होता है और वो कमेडी टाइप में कुछ चलाते हैं, तो अगर वो कुछ भी ऐसा काम करते हैं तो लोग डायरेक्टली उससे उनसे अट्रैक्ट होते हैं और उनके साथ जुड़ जाते हैं। तो दोस्तों सेम ऐसा ये भी फैक्टर काम करता है, जो ओनर की जो रिपुटेशन होती है, तो उस ओनर के नाम की वजह से कस्टमर क्या करते हैं? उनके प्रोडक्ट की तरफ डायरेक्टली अट्रैक्ट होते हैं। तो ये भी एक फैक्टर होता है किसकी तरफ दोस्तों? गुडविल की तरफ। नेक्स्ट, लोकेशन ऑफ बिजनेस। क्या लोकेशन ऑफ बिजनेस हमारे गुडविल की वैल्यू को अफेक्ट करेगा दोस्तों? करेगा इफेक्ट, बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा।
कैसे दोस्तों, बताइए कैसे करेगा ये अफेक्ट। तो देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, इसका एक सिंपल सा हम एग्जाम्पल लेते हैं। क्या एग्जाम्पल लें, बताइए क्या एग्जाम्पल लिया जाए। यहाँ पे दोस्तों हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं सिंपल। चलिए किसी हम प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल की एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान के चलिए कोई मार्केट है, ठीक है। अब वहाँ पे क्या है कि अब कोई प्रोडक्ट हम लॉन्च करने जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जो लोग हैं उस मार्केट में लोगों का डिमांड क्या है दोस्तों, कुछ और ही है। तो मान के चलिए अगर हमारा प्रोडक्ट किसी मार्केट में लॉन्च हो रहा है और उस प्रोडक्ट की डिमांड लोगों की नज़र में कुछ है ही नहीं, तो आप बताओ क्या ये हमारे बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल होगा? बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं होगा। तो इसलिए दोस्तों हमें अपने प्रोडक्ट को वहीं पर लॉन्च करना होता है जहां पे उसका मार्केट हो, अदरवाइज दिस प्रोडक्ट विल कम्प्लीटली फेल। ओके, तो लोकेशन ऑफ बिजनेस भी हमारे लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है, जहां पे लोग आसानी से पहुंच सकें, ठीक है। नेक्स्ट, पोसेशन ऑफ ट्रेडमार्क एंड पेटेंट। तो अब इसमें ये पॉइंट क्या है दोस्तों कि अगर हमारे पास कुछ ट्रेडमार्क या पेटेंट है जिसका जो कि हमारे पोसेशन में ट्रेडमार्क एंड पेटेंट, और उसी ट्रेडमार्क एंड पेटेंट के ऊपर कंप्लीटली हमारा बिजनेस क्या करता है, निर्भर करता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक बिजनेस ओपन किया, किस चीज़ का दोस्तों, बर्गर का। और मैंने किसका फ्रेंचाइजी किसका लिया, मैंने फ्रेंचाइजी लिया मैकडोनाल्ड का। तो आप बताओ मेरा बिजनेस कम्प्लीटली किस पर डिपेंड है, मैकडोनाल्ड की फ्रेंचाइजी पे। अब ये बताओ कि अगर वो मैकडोनाल्ड वाला अपने फ्रेंचाइजी को मेरे से वापस ले ले, तो मेरा बिजनेस दोस्तों कहाँ जाएगा, मेरा बिजनेस रोड पे आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पोसेशन ऑफ ट्रेडमार्क एंड पेटेंट भी एक रोल प्ले करता है गुडविल की वैल्यू क्रिएशन में। नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ मैनेजरियल स्किल। अब हमारे फर्म के अंदर जो पार्टनर होंगे, अगर उनके अंदर मैनेजरियल स्किल होगा तो वो हमारे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए काफ़ी बेटर तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो दोस्तों, तो इससे क्या होगा, हमारा बिजनेस इन लॉन्ग रन विल बी प्रूव बेनिफिशियल। तो दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पे मैनेजरियल स्किल का प्रेजेंस भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर क्रिएशन ऑफ गुडविल। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट विच इनेबल प्रोडक्शन ऑफ लो कॉस्ट आइटम एट गुड क्वालिटी। तो कॉस्ट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैसे दोस्तों प्ले करता है रोल, देखिए दोस्तों, जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हम करते हैं वो किस लिए करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट दोस्तों हम मार्केट को पूरी तरीके से स्टडी करने के बाद ही अपने प्रोडक्ट को हम प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं। तो प्रोडक्ट के प्रोडक्शन से लेकर के उसके मार्केटिंग तक पहले ही क्या कर लिया जाता है, R&D कर लिया जाता है। और इस R&D की वजह से क्या होता है दोस्तों, हमें उसके कॉस्ट का पता लग जाता है, तो जिससे हम क्या कर पाते हैं, अपने कॉस्ट को कम से कम रख पाते हैं और क्वालिटी को टॉप लेवल पर रखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कॉस्ट होगा, उसके चलते क्या होगा, प्रोडक्शन जो होगा, जो अपना प्रोडक्शन होगा वो लो कॉस्ट पे होगा, और आइटम जो भी बनेंगी वो गुड क्वालिटी की बनेंगी, ठीक है दोस्तों। तो ये भी एक मैटर है। उसके बाद देखिए, पोसेशन ऑफ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल मान के चलो कि आपका जो फर्म है वो किसी ऐसे प्रोडक्ट में डील करता है जिसके लिए कुछ स्पेसिफिक रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, और वो जो रॉ मटेरियल है वो स्पेसिफिकली
आपको ही मिलता है, जिस भी सप्लायर से आप बाय करके लाते हैं वो रॉ मटेरियल केवल केवल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपको ही अवेलेबल कराया जाता है। तो दोस्तों ये जो होगा ये भी हमारे गुडविल को अफेक्ट करेगा। कैसे करेगा कि अगर यही सेम रॉ मटेरियल हमारे जैसे किसी और फर्म को भी मिलना शुरू हो जाए तो ऑब्वियस बात है दोस्तों हमारे कस्टमर उधर भी शिफ्ट होंगे, तो इससे भी क्या होगा हमारा वैल्यू ऑफ गुडविल अफेक्टेड होगा। नेक्स्ट दोस्तों जो आता है वो आता है गवर्नमेंट पॉलिसी। क्या गवर्नमेंट का पॉलिसी इम्पैक्ट डालता है? बिल्कुल डालता है, बिल्कुल डालता है। देखिए जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी, जब नई नई गवर्नमेंट बनती है तो उनका बजट कुछ और होता है, वो भी अपने अकॉर्डिंग अपना नया बजट पेश करते हैं। तो अब क्या पता वो बजट में क्या अनाउंसमेंट करते हैं और उसका इंडस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो गवर्नमेंट जो दोस्तों जो भी टैक्स रेट जो फिक्स करती है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है फर्म के ऊपर, ठीक है दोस्तों। तो ये भी एक कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर है जिसके चलते वैल्यू ऑफ गुडविल इफेक्टेड होता है। अच्छा अब आप ये पूछोगे कि क्या केवल इतने ही लिस्ट हो सकते हैं गुडविल के? जी नहीं दोस्तों, ये जो लिस्ट है दिस लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव लिस्ट, इट इज ओनली फॉर द इलस्ट्रेशन पर्पज, इट इज ओनली फॉर द इलस्ट्रेशन पर्पज। तो ये इलस्ट्रेशन पर्पज के लिए है, ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, और भी अदर फैक्टर जिम्मेदार होंगे, लेकिन मैंने आपसे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर डिस्कस किया है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो होप सो आपको समझ में आया होगा गुडविल नेचर एंड मेजर फैक्टर विच अफेक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल। नेक्स्ट आता दोस्तों आपका अकाउंटिंग। अकाउंटिंग कि गुडविल के दोस्तों हम लोग अकाउंटिंग कैसे करते हैं, गुडविल की अकाउंटिंग दोस्तों हम कैसे करते हैं, ठीक है। सॉरी देखो दोस्तों, तो गुडविल की अकाउंटिंग हम कैसे करेंगे दोस्तों बताइए, हाउ टू वैल्यू गुडविल। तो सबसे पहले तो दोस्तों देखो हमें ये पता लगाना पड़ेगा, क्या पता लगाना पड़ेगा कि गुडविल एक्चुअली में एसेट है भी या नहीं है, गुडविल एक्चुअल में एसेट है भी या नहीं है। क्योंकि गुडविल अगर एसेट होगा, गुडविल अगर एसेट होगा तो ही हम उसको रिकॉर्ड कर पाते हैं। तो ध्यान रखना जो अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो क्या बोलता है, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंटरप्राइज कैन रिकॉग्नाइज इंटेंजिबल एसेट ओनली इफ सर्टेन कंडीशन आर सेटिस्फाइड, ओनली इफ सर्टेन कंडीशन आर सेटिस्फाइड। तो दोस्तों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि एंटरप्राइज इंटेंजिबल एसेट को तभी रिकॉग्नाइज कर पाएगा जब कुछ स्पेसिफाइड कंडीशन वो फुलफिल करेगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए क्या क्या कंडीशन है, सबसे पहला जो कंडीशन है वह एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसेट कि इंटेंजिबल एसेट का जो कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, हमने यहाँ पढ़ा था ना कि गुडविल इंटेंजिबल एसेट होता है। तो अब हमें देखना है कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है क्या, अगर सेटिस्फाइड करेगा तो ही इसकी रिकॉर्डिंग बुक में की जाएगी। तो देखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसेट, तो एसेट हम किसको बोलेंगे कि जिसके पास कुछ वैल्यू हो, हैज सम वैल्यू एंड क्लियरली आइडेंटिफाइबल। तो हम एसेट किसको बोलेंगे दोस्तों कि एसेट के पास कुछ वैल्यू होना चाहिए और ये एसेट क्लियरली क्या होना चाहिए, क्लियरली क्या होना चाहिए, आइडेंटिफाइबल होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहां पर लिख सकते हैं पेटेंट, ठीक है, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया। तो अब जैसे पेटेंट ट्रेडमार्क की हम बात करें तो इसका वैल्यू होता है क्योंकि हमने कुछ पैसे खर्च करके ही तो हमने इसको एक्वायर किया होगा, और दूसरा चीज ये इजिली आइडेंटिफाइबल भी होता है, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट ऑफ व्यू दोस्तों होगा वो होगा फ्यूचर प्रोबेबल इकोनॉमिक बेनिफिट कि जो भी एसेट होगा, जो भी एसेट इंटेंजिबल एसेट होगा उसके चलते फ्यूचर में क्या होना चाहिए, फ्यूचर में एक संभावित इकोनॉमिक बेनिफिट होनी चाहिए। और जब कभी भी हम इकोनॉमिक बेनिफिट की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक बेनिफिट दोस्तों याद रखना ये मॉनेटरी टर्म में होगा, मॉनेटरी टर्म बोले तो कि अगर हम प्रोडक्ट सेल करेंगे तो उससे प्रॉफिट रियलाइज होना चाहिए, प्रोडक्ट को सेल करके प्रॉफिट रियलाइज होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मॉनेटरी टर्म में होगा। उसके बाद जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक आता है वो आता है मेजर्ड रिलायबली। कहने का मतलब ये हुआ कि उस
मेजर लाइबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि कॉस्ट को हम इजिली क्या कर पाए, मेजर कर पाए। इजिली हम क्या कर पाए दोस्तों, उसको मेजर कर पाए। यहाँ पे कॉस्ट इजिली उसको हम मेजर कर पाए तो ही हम बोलेंगे कि ये एसेट है। कहने का मतलब कि एसेट को अगर हमने एक्वायर किया होगा तो दोस्तों ऑब्वियस सी बात है उसके लिए हमने कुछ ना कुछ कंसिडरेशन तो पे किया ही होगा। तो दोस्तों तो यहाँ पे जो कंसिडरेशन हमने पे किया वो हमने क्या किया, कॉस्ट को इनकर्ड किया। तो इस कॉस्ट को हम इजिली क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक यानी कि कैरेक्टरिस्टिक को पैसेट होना चाहिए, फ्यूचर प्रोबेबल इकोनॉमिक बेनिफिट और मेजर रिलायबिलिटी, मतलब ये तीनों ही कंडीशन, ये तीनों का तीनों कंडीशन कंबाइंड तरीके से, तीनों का तीनों कंडीशन कंबाइंड तरीके से अगर कोई इंटेंजिबल एसेट फुलफिल करता है देन ओनली वी कैन रिकॉर्ड दिस इंटेंजिबल एसेट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तभी हम इस इंटेंजिबल एसेट को हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं कि ये तो हमने इंटेंजिबल एसेट के बारे में जाना, अब इसी गुडविल की हम क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं कि इंटेंजिबल एसेट का क्या इस कंडीशन को ये हमारा गुडविल फुलफिल करता है। अगर ये गुडविल इस टेस्ट को पास कर पाता है तो हम बोलेंगे कि जी हाँ गुडविल की रिकॉर्डिंग हम बुक्स में करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखिए टेस्ट ऑफ गुडविल बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसेट, तो क्या गुडविल का कैरेक्टर एसेट की तरह होता है दोस्तों, एसेट की तरह होता है बताइए, क्या गुडविल का कैरेक्टरिस्टिक एसेट की जैसा होता है? तो दोस्तों आंसर है नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता। क्यों? बिकॉज इट इज नॉट आइडेंटिफिएबल, क्योंकि जिस तरीके से आप पेटेंट और ट्रेडमार्क को आइडेंटिफाई कर पाते हो वैसे ही गुडविल को आप आइडेंटिफाई बिल्कुल भी नहीं कर पाते हो। क्यों? क्योंकि गुडविल जो दोस्तों देखो, जो पार्टनरशिप के अंदर जो गुडविल होती है वो इंटरनल जनरेटेड गुडविल होता है। क्या होता है? इंटरनल जनरेटेड गुडविल होता है वो। हम जब लंबे टाइम तक काम करते हैं उससे जो वैल्यू जो एस्टेब्लिश होता है मार्केट के अंदर, तो ये इंटरनल जनरेट होता है। तो इसका दोस्तों कोई कॉस्ट नहीं होता, इस गुडविल को हमने कहीं से बाय नहीं किया है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसेट इस टेस्ट को ये फेल कर जाता है, बिकॉज इट इज नॉट आइडेंटिफिएबल। नेक्स्ट फ्यूचर बेनिफिट, क्या लिखा मैंने, वेरी डिफिकल्ट टू एसेट। ऐसा क्यों? क्या गुडविल से कुछ फ्यूचर बेनिफिट है दोस्तों? दोस्तों फ्यूचर बेनिफिट तो है, लेकिन चक्कर क्या है ना कि इसको हम इजिली असेस नहीं कर पाते कि कितना हमारे पास बेनिफिट आने वाला है। क्योंकि अब मान के चलो अब रिपुटेशन तो है हमारे पास, लेकिन क्या इस रिपुटेशन से ये गारंटी है इस बात की कि फ्यूचर में प्रॉफिट हो ही जाएगा? तो फ्यूचर के बारे में तो दोस्तों कोई भी नहीं जानता, तो हम गारंटी तो दे नहीं सकते। तो इस चक्कर में दोस्तों क्या होगा, ये वाला टेस्ट भी फेल हुआ। लेकिन अब चलो एक मैं आपको ना एग्जांपल देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो पेटेंट है, पेटेंट या फ्रेंचाइजी के मान के चलो, अगर हमने मैकडी का फ्रेंचाइजी लिया हुआ है, मैकडी का फ्रेंचाइजी दोस्तों लिया हुआ है, तो क्या इसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है? 101% है। लोग मैकडी के नाम के पीछे भागते हैं, तो वो तो आपका बर्गर खाने जरूर ही आएंगे। तो यहाँ पे तो दोस्तों फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है, लेकिन गुडविल के केस में कोई भी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है, जिसके चलते ये दूसरा टेस्ट भी क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तीसरा कंडीशन जो है मेजर रिलायबली, क्या गुडविल को हम रिलायबल तरीके से मेजर कर पाते हैं दोस्तों? नहीं कर पाते। देखिए जैसे एसेट को हम कुछ कंसिडरेशन पे करके उसको ले करके अपने बिजनेस में आते हैं, लेकिन गुडविल क्या होता है दोस्तों? ये इंटरनली जनरेटेड होता है। तो इसके लिए हमने कोई प्राइज पे नहीं किया होता, तो इस चक्कर में कोई कॉस्ट हमारे पास है ही नहीं इसका। जब कॉस्ट ही नहीं है तो इसको हम मेजर कैसे करेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। तो इन द एब्सेंस ऑफ कंसिडरेशन इन मनी, कॉस्ट कैन नॉट बी मेजर्ड रिलायबली। इन द एब्सेंस ऑफ कंसिडरेशन इन मनी, कॉस्ट कैन नॉट बी मेजर रिलायबली, क्योंकि यहाँ पे मनी वैल्यू है ही नहीं, तो क्या हो पाएगा दोस्तों, हम इसको रिलायबल तरीके से मेजर्ड नहीं कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से जो हमारा गुडविल है इसने इंटेंजिबल एसेट के
कंडीशन को कंप्लीटली तरीके से फेल हो गया ये, इसमें एक भी कंडीशन फ्लो नहीं किया। और जैसा कि कंडीशन हमने क्या पढ़ा था कि एक सिंगल कंडीशन भी टूटा तो एसेट कांट बी रिकॉर्डेड इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट, लेकिन यहां पे दोस्तों तीनों का तीनों कंडीशन ही फेल हो गया। तो इससे क्या पता चलता है कि गुडविल की रिकॉर्डिंग हम बुक्स के अंदर नहीं कर पाएंगे। तो याद रखिएगा दोस्तों, गुडविल कांट बी रेज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, गुडविल को हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रेज्ड नहीं करेंगे। तब आप लोग बोलोगे कि गुडविल को जब बुक्स ऑफ अकाउंट में रेज्ड हम नहीं करेंगे तो फिर उसको करें कहाँ पे? तो दोस्तों याद रखिएगा, अब यहाँ पे बुक में तो हम रेज कर नहीं सकते, इसीलिए हमें क्या करना होगा, इस गुडविल को कैपिटल के थ्रू एडजस्टमेंट करना होगा। कैसे करना होगा? कैपिटल के थ्रू एडजस्टमेंट करना होगा। तो यहां पे जो भी गुडविल होगा उसको हम कैपिटल के थ्रू ही एडजस्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। क्यों कैपिटल के थ्रू क्यों एडजस्ट करोगे? रीजन सिंपल है दोस्तों, देखिए अगर तीन पार्टनर हैं, तीन पार्टनर मिलके बिजनेस को चला रहे हैं और इससे फ्यूचर में काफी प्रॉफिट आने वाला है। अब सोच के देखो, अगर कोई नया बंदा आकर के हमारे पार्टनरशिप में पार्टिसिपेट करता है तो दोस्तों क्या होगा, जो फ्यूचर में जो प्रॉफिट हमें होने वाला था हमारे पास्ट के एफर्ट की वजह से, हमारे पास्ट के एफर्ट की वजह से फ्यूचर में जो प्रॉफिट हमें होने वाला था उस प्रॉफिट पे हक हमारा बनता था। लेकिन जब कोई नया बंदा आएगा तो अब क्या होगा, वो फ्यूचर में होने वाला प्रॉफिट सबको मिलना शुरू होगा। अब तो सब में बटेगा ना, सब में बटेगा तो इसका क्या इंपैक्ट होगा, सोचो वो सारा का सारा हमें मिलने वाला था, लेकिन अब क्या होगा, जो नया बंदा आया है उसे भी देना पड़ेगा। तो इसका दोस्तों क्या मतलब हुआ, हमने अपने प्रॉफिट को नए आने वाले बंदे के लिए सेक्रीफाइज किया है। क्या किया दोस्तों, हमने अपने प्रॉफिट को क्या किया दोस्तों, जल्दी बताइए, सेक्रीफाइज किया। तो जब हमने सेक्रीफाइज किया है, सेक्रीफाइज कर रहे हैं अपने फ्यूचर की प्रॉफिट को, तो वो जो नया बंदा होगा वो हमें क्या करेगा, हमारे सेक्रीफाइज के लिए हमें कंपन सेट करेगा। तो ये जो भी एंट्री होगी सेक्रीफाइज की, कंपनसेशन की, ये सारी एंट्री थ्रू दी कैपिटल होंगी, ठीक है। तो देखो मैंने क्या लिखा है, देयरफॉर गुडविल कैन नॉट बी रिकॉर्डेड, गुडविल को हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। इट कैन बी रिकॉर्डेड ओनली इफ सम कंसिडरेशन इन मनी हैज बीन पेड फॉर इट। तो ये तभी हम रिकॉर्ड कर पाते हैं जब हमने इसके लिए कुछ कंसिडरेशन पे किया हो, इसके लिए जब हमने कुछ कंसिडरेशन पे किया हो तभी हम इसकी रिकॉर्डिंग कर पाते हैं। हेंस इन केस ऑफ रिकंस्टिट्यूशन, हेंस इन केस ऑफ रिकंस्टिट्यूशन गुडविल कैन नॉट बी रेज्ड इन बुक्स, गुडविल को हम बुक्स में रेज नहीं कर पाते हैं, सिंस नो मनी हैज बीन पेड फॉर इट। क्यों? क्योंकि इसके लिए हमने कोई भी मनी पे नहीं किया है। तो ओनली परचेस्ड गुडविल कैन बी रिकॉर्डेड इन बुक्स। तो दोस्तों हमने क्या सीखा कि ओनली परचेस गुडविल कैन बी रिकॉर्डेड इन बुक्स। एग्जाम्पल के तौर पर गुडविल अराइज इन केस ऑफ अमलगमेशन ऑफ ए फर्म। देखो दोस्तों, जब फर्म का अमलगमेशन होता है तो जो तो इस केस में क्या होता है, जो भी कंसिडरेशन हमें मिलता है ना कंसिडरेशन, अगर वो हमारे नेट एसेट से ज्यादा, नेट एसेट का मतलब क्या, एसेट माइनस लाइबिलिटी, नेट एसेट से अगर ज्यादा अमाउंट हमें मिलता है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि पैसे तो इसमें अमलगमेशन के केस में जो पैसा होता है, पैसा तो दोस्तों पे होता ही है। तो इस केस में क्या होगा, क्योंकि गुडविल के लिए हमने क्या किया है, कंसिडरेशन पे किया है, तो कंसिडरेशन दोस्तों हमने पे किया है तो उसका रिकॉर्डिंग हम बुक्स में करेंगे। अदरवाइज रिकंस्टिट्यूशन के केस में हमारे पास कोई भी पैसा इसके लिए पे नहीं हुआ, इस चक्कर में इसको बुक्स में हम रेज नहीं कर पाएंगे। और इफ यू टॉक अबाउट द रिकंस्टिट्यूशन, तो याद रखिएगा दोस्तों, रिकंस्टिट्यूटन मींस चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर, एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर, ये सारी चीजें किस में आती है दोस्तों, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म में आती है, ठीक है। याद रखिएगा, गुडविल को जो हम रिकॉर्ड करेंगे
वो केवल तभी कर पाएंगे जब उसके लिए कुछ मनी वैल्यू पे होता है। रिकंस्टिट्यूशन के केस में जो कि हम कोई भी पैसा पे नहीं किए होते हैं, इस चक्कर में इसको बुक्स में रेज हम नहीं कर पाते, इसलिए गुडविल को एक ऑल्टरनेटिव तरीके से हम रिकॉर्डिंग करते हैं थ्रू द कैपिटल अकाउंट। ओके दोस्तों, तो होप सो ये गुडविल का कॉन्सेप्ट आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब नेक्स्ट क्लास में जो हम कवर करेंगे वो हम कवर करेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, और फिर उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे ट्रीटमेंट की। तो दोस्तों देखिए, फिर से मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे जो भी गुडविल का मैं आप लोगों को ट्रीटमेंट बताऊंगा वो तीनों ही ट्रीटमेंट में कंबाइंड तरीके से बताऊंगा, यानी कि चेंज इन पीएसआर केस में क्या होगा, एडमिशन के केस में क्या होगा, और रिटायरमेंट और डेथ के केस में क्या होगा। तो ये सारा मैं कंबाइंड तरीके से यहीं पे मैं करा दूंगा आप लोगों को, जैसे रिजर्व मैंने सबको लिए कराया ना एक साथ, तो उसी तरीके से गुडविल और रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी भी मैं कंबाइंड तरीके से आप लोगों को यहीं पे करा दूंगा, और आप भी इस तरीके से अपने नोटिंग कर लीजिए। यही तरीका वैसे बेस्ट है, इंडिविजुअल पढ़ने का दोस्तों कोई फायदा नहीं है, उससे केवल टाइम का वेस्टेज होता और कुछ नहीं होता। ठीक है दोस्तों, तो ये अभी तक हमने क्या किया, गुडविल को कंप्रिहेंसिवली दोस्तों कवर किया। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में दोस्तों मिलते हैं। और हाँ दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस लेक्चर टू ऑल द नीडी स्टूडेंट सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट कैन गेट द बेनिफिट फ्रॉम दिस लेक्चर। एंड दोस्तों ये और जितने भी लेक्चर मैं अपलोड कर रहा हूँ ये सारे फ्री ऑफ दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट है, और लाइफ टाइम ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहेंगे, और हर साल मैं कुछ ना कुछ अपडेशन करता रहूँगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको कोई भी डाउट रहे इस लेक्चर के रिगार्डिंग में, तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने व्हाट्सएप का लिंक जो स्पेसिफिक मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, और टेलीग्राम का लिंक, इन दोनों का लिंक मैं आप लोगों को शेयर कर दूँगा। तो और कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन ऐसा हो जो कि आप लोग अनेबल हैं सोल्व कर पाने में, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो, तो सिंपल तरीके से आप लोग क्या करें, उसका पिक लें और पिक लेकर के उसको मुझे सेंड करें, मैं उसको सेम डे में सोल्व करके आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हम अपने वीडियो को कंक्लूड करते हैं दोस्तों। ठीक है, ओके, और सबको नमस्ते। ओके दोस्तों।